वेलकम बैक टू माय चैनल आका क्रूज। अपना सबे भले आसे आरो मोरे भले आसो। सो आज मेरी छुट्टी है इसलिए मैं रास्ते में ऐसे ही घूम रही थी, फिर अचानक से मेरे को याद आया कि कहाँ जाऊँ यार। सो मैं ऐसे सोचते मैंने को ये बस दिखाई दिया जहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट फ्री में एक जगह जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ वो डेस्टिनी में लेके जा रहे हैं। सो यहाँ पे जितनी सवारी है हर कोई जा रहा है फ्री में, सो मैं भी जाऊँगी फ्री में। सो मैं बैठ गई, मुझे जगह मिल गया था लकीली। सो ये जाते जाते मैंने सोचा कि आप लोग को बाहर का मौसम दिखाते जाऊँ। आज का मौसम बहुत ही अच्छा था और अभी की टाइम हो रही है 4 बजे। सो मैंने सोचा कि आप लोग को भी मैं ये जगह पूरा एक्सप्लोर कराऊँगी जहाँ पर मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। सो दिखाई दे रहा है आपको कितने लोग हैं फ्री में जाने वाले। फ्री में हर कोई लोग सोचते हैं कि चलो चलते हैं। सो यहाँ पे अपना नाम, नेशनलिटी और होटल किसके वो लिखना पड़ता है। फिर मैंने ना अपना ईयरफोन्स लगा लिया क्योंकि ये जो जर्नी है बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली है। फिर मैं सो जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ही नींद आ रही है। रहा हम लोग पहुंच गए, पूरा 1 घंटा लगा ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पे जितनी भी सवारी देख रहे हो हर अलग अलग होटल से होते हैं, हर अलग अलग होटल से ये बसेस पिक करते हैं। सो हम लोग आ गए ये दुबई आउटलेट मॉल पे जो कि बहुत ही दूर में है। सो आइए देखते हैं यहाँ पे कितने डिस्काउंटेड चीज़ें मिलते हैं। सो मुझे बहुत लोगों ने बताया कि यहाँ पे हमेशा ही डिस्काउंट रहता है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं आज कितना डिस्काउंट और मैं ख़रीद सकती हूँ कि नहीं ख़रीद सकती हूँ ये देखते हैं। कि मुझे पता है हर ब्रांड में तो आफ्टर डिस्काउंट भी महंगे होते हैं। ये मुझे एडिडास दिखाई दिया सबसे अच्छा, जो मुझे सबसे अच्छा ब्रांड लगता है, और यहाँ पर भी डिस्काउंट, यहाँ पर मुझे लगा गलत लिखा है, ये 30-70 लिखना चाहिए था। फिर ये सब सोच यार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट भी इतना महंगा था ना, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आफ्टर डिस्काउंट भी। भाई मेरी बजट की तो ये बाहर है एकदम, मतलब बहुत ही महंगी लग रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मैंने कि आप लोग के लिए भी ये ब्लॉग मैंने बनाया कि आप लोग भी, अगर बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग को ब्रांड पहनना तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, आपको बहुत 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 डिस्काउंट में हर सामान आपको मिल जाएगा, कपड़े से लेके परफ्यूम शूज़ मतलब सब कुछ मिलेगा यार। आप लोग आओ देखो और क्या पता आपको बहुत अच्छा लगे यार। प्राइस भी इतनी भी महंगी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें सस्ती में भी मिल रही थी तो मैंने आप लोग को दिखाया यार। जो मुझे सही अच्छे लग रहे थे उसका बहुत ही महंगा प्राइस है, जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे उसके थोड़ा सस्ता है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था 225, मैंने बोला यार बजट की तो ये मेरे बाहर है। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने सोचा कि मैंने आप लोग के लिए ही ये मैं ब्रांड दिखाऊँ कि कितना कितना अच्छा हर ब्रांड में यार, हर ब्रांड में मतलब इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट था जो कि मैं ना मतलब देख के हैरान हो गई थी यार। इतनी अच्छी अच्छी बैग्स थे ना, इतनी महंगी महंगी थी, मैंने बोला यार एंजेला तेरी तो औकात के बाहर है ये। पर देखते हैं आज मैं कुछ ख़रीद पाती हूँ कि नहीं यार, कुछ मेरी लायक कुछ होगा कि नहीं होगा इस आउटलेट इतनी बड़ी मॉल में। पर सच में यार बहुत ही क्यूट लग रहा था ये बैग, लेकिन जब मैंने प्राइस देखा ना मैंने बोला दूर चले, मैं तो ये कभी भी नहीं खरीदूँ कि इतना महंगा, मतलब नहीं खरीदूँ ये मैं कभी भी। अभी भी इतना ज़्यादा हील्स पहन नहीं पाऊँगी, लेकिन मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था कि यार भाई इतनी सुंदर है यार, इतनी सुंदर है यार सच में।
बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर है यार। आप लोग को भी अगर ख़रीदना हो ना यहाँ से आप लोग ले सकते हो, बहुत ही डिस्काउंट प्राइस है। मेरे लिए तो ये औकात की बाहर है, लेकिन ये आप लोग के लिए जो लोग ब्रांड कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा ब्रांड पहनना अच्छा लगता है, उन लोग के लिए आउटलेट मॉल बहुत सही है। हर जगह पे डिस्काउंट है, आप देख रहे हो हर ब्रांड में डिस्काउंट है। सो मैंने ये देखा, मैंने बोला चलो चलते हैं यहाँ पे क्या क्या ऐसा है। सो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि क्या क्या ब्रांड है यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है। और बाबा मेरी नज़र पड़ा इसमें यार, वर्सासी का ये जो जूते है इतनी अच्छी है, मैंने उसको टच भी नहीं किया। मैंने भाई कुछ ख़राब हो गया ना मेरे से, मैं उसको भरपाई भी नहीं कर पाऊँगी। मैंने टच भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका मतलब छू के भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ ऐसे दूर से ही देखा। मैंने कहा ज़िंदगी में पहली बार इतनी क्लोजली मैं देख रही हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, आप लोग ख़रीद सकते हो, लोग ख़रीद रहे थे। मैंने बोला भाई इतने पैसा कहाँ से ला रहे हो तुम लोग यार, बताओ मैं भी करूँ यार, कुछ तो ख़रीदूँ यहाँ से मैं। फिर भाई मेरे को नज़र पड़ा इसमें, जो कि मुझे दिख रहा था यार सस्ते में कुछ तो मिल रहा है जो शायद से मैं कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ। मैंने फिर भी देखा यार क्या कुछ मिल सकता है क्या मेरे लायक, मतलब ऐसा कुछ भी। सो मैंने सोचा कि ये पेन ट्राई करती हूँ, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस कलर का, वाइट कलर का या मैं पेन खरीदूँ। मैं इतनी मोटी हो गई ना, पहले मैं 28 के पहन रही थी, अभी मैं 30 के पहनने लग गई हूँ। फिर यहाँ पर ना जेब नहीं था, यहाँ पर सिर्फ बटन से देखो तो मुझे बहुत सही लगा। उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा था, उसका पहले रेट था इतना जो कि इतने में मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि हाँ बहन ही सिर्फ तुम अफोर्ड कर सकते हो, बाकी तो मुझे बोला उन लोगों ने कि मैम आपको और कुछ ख़रीदना है क्या। मैंने बोला भाई अगर तुम्हारे पास इतने सस्ते में अगर होते ना तो मैं ख़रीद लेती। फिर मैंने सिर्फ वही लिया लिवाइस का पैंट, और फिर मैंने सोचा कि बस अबे बस हो गया। हाँ एंजेला बस तुम ये देखो, ATM भी है लोगों को, एकदम सब मतलब सब कुछ है लोगों के लिए। ये बच्चों के खिलौने हैं, तो मैंने सोचा ये भी आप लोग को दिखा दूँ। और हर एक एक ब्रांड में डिस्काउंट था भाई, ऐसा कोई एक ब्रांड मुझे नहीं दिखाई दिया जिस ब्रांड में मतलब डिस्काउंट नहीं है। सो आप लोग अगर दुबई में हो तो आउटलेट मॉल ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे हर ब्रांड में डिस्काउंट है, वो भी 30% से लेके 70% तक, बहुत ज़्यादा होता है इतना डिस्काउंट। तो नहीं ये भी थोड़ा जाने माने ब्रांड लग रहा है मुझे, जो कि मैं इंडिया में थी जब थी बहुत ख़रीदती थी इस ब्रांड से, मैंगो से। सो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी देखते हैं क्या क्या है, लेकिन यहाँ पे बहुत कलेक्शन है यार, हर कलर के आपको मिलेंगे यहाँ पे, बहुत सही सही लग रहा था। लेकिन 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 मेरे साइज़ का कुछ भी नहीं मिल रहा था यार, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। मैं पहले स्मॉल पहन रही थी, एक महीना पहले, एक महीने में मैंने क्या खाया मुझे समझ में नहीं आया, जो कि मेरी 56 से लेके 65 केजी तक हो गई, मेरे को कुछ फिट ही नहीं आ रहा था और मैं अच्छी भी नहीं दिख रही थी, मेरा पेट इतना बड़ा हो गया। सो मैंने सोचा कि यार मेरी लायक तो कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ ये देखा, फिर ये भी मुझे पसंद नहीं आया, ये 69 दिराम का सिर्फ था। यार कलेक्शन तो बहुत अच्छी थी लेकिन मेरे लायक कुछ भी नहीं मिला मुझे, मुझे तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया वहाँ पे। यार इस बारे में तो, इस ब्रांड के बारे में तो मुझे पता नहीं है, मैंने पहली बार सुना है, लेकिन इसके कलेक्शन भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये येलो ड्रेस देखो, मैं अंदर जाने की कोशिश भी नहीं की, मैंने कहा बाहर से मैं आप लोग को दिखाऊं। और यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हो रहा है 79 दिराम से, लेकिन बहुत अच्छे कलेक्शन मुझे बाहर से ये लग रहे थे कि बहुत ही अच्छे कलेक्शन है इन लोग के। ये देखो ड्रेसेस, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थे ना इन लोग के पास, मतलब सही में बहुत अच्छे ड्रेसेस था। और मतलब इतने कलर्स देखो ना, ये ब्लू कलर का इतना अच्छा लगा, येलो कलर का अच्छा लगा, ये देखो ड्रेसेस कितनी अच्छे। मैं अंदर गई नहीं, बाहर से ही मैंने एक्सप्लोर कर लिया।
देन सबसे अच्छी मुझे ये लगा, देखो 899 दिरहम में ये 4 सेट मिल रहा है। मैंने टच करके भी देखा, उसकी क्वालिटी बहुत सही था यार, बहुत सही था। इसकी तो ज़रूरत है, मैं सोच रही हूँ घर जाने से पहले यहाँ पे फिर से आऊँगी, फिर मैं ये लेके जाऊँगी। यार आप लोग को मैंने बहुत महंगी महंगी मतलब सैंडल्स शूज़ वो सब दिखाया, मुझे यहाँ पे बहुत सस्ता में दिखाई दिया कि यार 49 से स्टार्ट हो रहे, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं ऐसा क्या है 49 से कि पसंद आते हैं क्या। पर एक बात बताऊँ, जो सस्ते में होते हैं ना ये अच्छा ही नहीं लगता, और जो महंगी होती है ना वो अच्छा लगता है, पर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या सीन है समझ में नहीं, मतलब ब्रांड भी ना सोच समझ के बनाते होंगे कि एकदम जो सस्ते में होता है ना वो एकदम एकदम बेकार सा बनाए कि लोग ख़रीद ही नहीं पाए उसको, और जो एकदम महंगा हो ना एकदम लोगों को एकदम देखने में मतलब ऐसा हो जाए कि यार ये बहुत पसंद आ रही है ये ख़रीद ही लेते हैं, मतलब ऐसा होता है। क्योंकि मैंने इतना महंगा महंगा बैग दिखाया था आपको, ये देखो सस्ती वाली बैग कैसे होती है, 79 दिरहम से स्टार्ट हो रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि मुझे पसंद आई नहीं। यार ये मुझे थीम बहुत ही अच्छा लगा, इन लोग का बहुत अच्छे से सजाया है, और यहाँ पे किड्स की भी सेक्शन है, किड्स की भी ये ब्रांड होती है, तो हर ब्रांड में देखो 50% से लेके 80% तक डिस्काउंट है यहाँ पे। सो मुझे ये दिखाई दिया, मैंने सोचा कि यार चलो एक्सप्लोर ही कर लेते कि यहाँ पे है कैसे। यार मैंने जब ये देखा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये इतना छोटी छोटी चीज़ें ये है कि ये कहाँ पे लगाएंगे, कि ये कैसा है। फिर मुझे दिखाई दिया ये, अच्छा इसके लिए भी एसेसरीज है, मतलब इसमें भी लगा सकते, और ये ऐसे बन के आएगा। मैंने भाई क्या चीज़ है, मतलब ये पूरा सेट ख़रीदने के लिए 59 दिरहम का। देखो यहाँ पे भी डिस्काउंट टॉमी एंड हिल्फिगर, मुझे ये ब्रांड बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरे को दिखाई दिया स्टारबक्स, मैंने कहा चलो चलते हैं कॉफ़ी पीते हैं। यार मैं कॉफ़ी लवर तो हूँ नहीं, लेकिन स्टारबक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने देखा ये सब क्या क्या है वो लोग बेच रहे हैं, मुझे बोल रहे थे कि चाहिए क्या, मैंने बोला नहीं चाहिए। सो मैंने ये देखा, बोलते हैं कि इसका प्राइस देखो यार 75 दिरहम। फिर मैंने कुछ लिया नहीं, वो सब सिर्फ मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया, और उसकी स्माइल देखो बहुत ही प्यारी स्माइल थी यार उसकी। सो मेरा कॉफ़ी आ गया, मैंने बोला कि यार थोड़ा बैठ जाते आराम से, क्योंकि मेरा बस आने के लिए 8 बजे बस आएगा। फिर मैंने कॉफ़ी सिप लेके देखा, यार उसमें शुगर था ही नहीं, तो मेरे शुगर के बिना मतलब चलती नहीं, मैं शायद से एकदम एडिक्टेड हो गई हूँ, तो मतलब बिना शुगर की तो मैं चाय कॉफ़ी कुछ पी ही नहीं सकती हूँ, तो क्या कर सकते हैं यार, ऐसे ही चल रही है मेरी ज़िंदगी। अभी शुगर ऐड करने के बाद अभी टेस्ट अच्छा हुआ, पता नहीं मैं क्या सोच में पड़ गई, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या सोच में पड़ गई, लेकिन इसका ये कॉफ़ी शॉप बहुत ही अच्छा था, इसका व्यू भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और एक चीज़ जो मैंने लिया, वो था परफ्यूम। यार बहुत सारा परफ्यूम लिया मैंने, मैं दिखा रही हूँ ये वाला पहला वाला परफ्यूम मेरे को चिपकाया उन लोगों ने, और जो सेल्स पर्सन था वो बहुत ही अच्छा था। ये VIP वाला परफ्यूम भी मैंने लिया, फिर ये वाला भी लिया, फिर आप देखते जाओ बस देखते जाओ ये भी लिया मैंने। सो सारा परफ्यूम शायद से 5 से 6 परफ्यूम लिया। मैंने बोला यार मैं घर ऐसे भी जाऊंगी तो घर जाते वक्त तो मैं परफ्यूम हमेशा लेके जाती हूँ। सो ये जो परफ्यूम दिया ना उसने मुझे ये बोला कि ये स्प्रे करने के लिए, हाउस में स्प्रे करने के लिए, और कार में भी आप यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा था जो मुझे अच्छा लगा। 5-6 ये परफ्यूम लिया जो कि पूरा पड़ा 200 का। सो मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, मैं जब घर जाऊँगी तो मैं ले लूँगी, उन लोग के लिए लेके जाऊंगी, मतलब मेरे भाई के लिए, मॉम के लिए, डैड के लिए, और मेरे लव वंस के लिए। सो मैंने ये ले लिया था, और मैं वेट कर रही थी मेरे बस के लिए जो 8 बजे आने वाले, तब तक मैंने सोचा कि मैं ना पूरा एडिटिंग करती हूँ ये वीडियो, सो ताकि मैं बहुत जल्दी अपलोड कर सकूँ। सो मेरा बस आने वाला है बहुत ही जल्दी, मैं बाहर आ गई अभी, और देखो रात 8 बज गया, रात हो गया। सो गाइज मैं बस के लिए वेट कर रही हूँ, और सिर्फ 5 मिनट है उसके बाद बस आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना भूलना मत। फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।